हेलो एवरीवन स्वागत है आपका केमिकल कैंटेक्स के क्वेश्चन नंबर 14 में द रिवर्सिबल रिएक्शन कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एस रिएक्टेंट है है पी प्रोडक्ट ठीक है बेसिकली यहाँ पे इस प्रकार का साइन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे भी इस प्रकार से भी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस कैटेलाइज बाई कैटलिस्ट द इक्विलीबिरियम कॉन्स्टेंट के इक्वलिबीरियम आपको दे रखा है इतना द फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट वॉज चलो लिख देते हैं जो जो दे रखा है ठीक है हमारे पास है के इक्विलिब्रियम बराबर पी डिवाइडेड बाय एस ठीक है विल बी इक्वल टू यानी कि जो फॉरवर्ड है वो दे रखा है फाइव इंटू टेन टू पावर फोर सेकेंड इनवर्स एंड फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स सेकेंड इनवर्स इन द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ कैटलिस्ट ये जो के फॉरवर्ड है ना ये है प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे हमारा जो के फॉरवर्ड था वो इतना था राइट और के फॉरवर्ड ही एब्सेंस में एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट वो कितना दे रखा है इसने फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड इनवर्स राइट रेस्पेक्टिवली वट इज द एक्सपेक्टेड रेट कॉन्स्टेंट द रिवर्स रिएक्शन इन दबसेंस ऑफ कैटलिस्ट आपको बताना है के बैकवर्ड बट किसका के बैकवर्ड बताना है इन द एबसेंस ऑफ द कैटलिस्ट एबसेंस ऑफ कैटलिस्ट के इक्वेरियम भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट ना हर जगह काम आते हैं टेम्परेचर का हमने दो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे कितना इंपॉर्टेंट था ठीक है अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे हम कैटालिस्ट की बात करें या फिर हम नॉन कैटालिस्ट की बात करें इसका क्या मतलब है चाहे हम रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रजेंस में करवाएं या फिर रिएक्शन नॉन कैटालिस्ट की प्रजेंस में करवाएं इक्विबीरियम सेम रहने वाला है ये है कॉन्सेप्ट भाई के इक्विलियम सेम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां पर आगे आपको बात समझ में भाई के इक्विलियम का वैल्यू चाहे आप कैटालिस्ट को डालो या फिर कैटालिस्ट को मत डालो के इक्विबीरियम चेंज नहीं होने का वो चेंज होगा ही नहीं ठीक है तो आपको क्या पूछा है के बैकवर्ड एबसेंस ऑफ कैटालिस्ट सिंपल सा है के इक्विलिब्रियम क्या होता है के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड के फॉरवर्ड आपको लेना है एब्सेंस वाला क्योंकि के बैकवर्ड भी हमें एब्सेंस में चाहिए एब्सेंस का ये है के फॉरवर्ड कितना है 4 into 10 टू दी पावर -6 सेकंड इनवर्स और के बैकवर्ड एब्सेंस का हम निकाल रहे हैं और के इक्विलिब्रियम कितना है 2 10 टू दी पावर आगे बात समझ में ओके यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पर तो ये आ जाएगा बच्चों के बी हमें निकालना है केबी यहां पे आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा फोर इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू टेन टू पावर थ्री ये आ गया टू तो इक्वल टू आ जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर और सेकेंड इनवर्स ठीक है तो के बैकवर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन था तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर से कह रहा हूं भाई के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ना बहुत ही पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ठीक है अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि के इक्विलिब्रियम तो इसने दे दिया और क्या ये फॉरवर्ड का है या फिर बैकवर्ड का है नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं होता है के इक्विलिब्रियम के केस में के इक्विलिब्रियम भाई सॉरी फॉरवर्ड बैकवर्ड में कैटालिस्ट और नॉन कैटलिस्ट का दे रखा है ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है के इक्विलिब्रियम सेम रहेगा चाहे आप कैटलिस्ट की बात करें या फिर नॉन कैटालिस्ट की बात करें राइट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इतने यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और इतने आसानी से आपको यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में